भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी के सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय के खिलाफ कर्नाटक में प्राथमिकी दर्ज किए जाने को लेकर बुधवार को कांग्रेस पर तीखा पलटवार करते हुए दावा किया कि गांधी परिवार ने फिर से इस बात को सबूत दिया है कि अगर उसे सत्ता मिले तो वह सच को दबाने के लिए किस हद तक जा सकता है। ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी अमेरिका दौरे पर देश विरोधियों से मिले। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के खिलाफ अपनी पार्टी के आरोपों को दोहराया कि उन्होंने अपने अमेरिका दौरे पर संदिग्ध साख वाले लोगों के साथ मुलाकात की थी। ईरानी के मुताबिक राहुल गांधी ने जिन लोगों से मुलाकात की थी उसमें अरबपति निवेशक जॉर्ज सोरोस के करीबी लोग भी शामिल थे, जो लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित भारत सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं। उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान भारतीय प्रवासियों के लिए एक कार्यक्रम की मेजबानी में इस्लामिक सर्कल ऑफ नॉर्थ अमेरिका के अजीम अंसारी की भागीदारी के लिए भी गांधी पर हमला बोला और कहा कि अंसारी का जमात इस्लामी के साथ संबंध है। पार्टी मुख्यालय में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि अमेरिका में प्रतिनिधि सभा के एक प्रस्ताव में इससे पहले दक्षिण एशिया में सक्रिय धर्मशासित समूहों द्वारा लोकतंत्र के लिए उत्पन्न खतरे के बारे में चिंता व्यक्त की गई थी। ईरानी ने कहा कि जब हर भारतीय को पता है कि जॉर्ज सोरोस क्या करना चाहते हैं तो गांधी उन लोगों के साथ मेलजोल क्यों बढ़ा रहे हैं जिन्हें जॉर्ज सोरोस द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। यह भी स्पष्ट है कि यह एकमात्र सोरोस कनेक्शन नहीं है। यहां तक कि कर्नाटक में गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी जॉर्ज सोरोस द्वारा वित्त पोषित अपनी ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के वैश्विक उपाध्यक्ष गांधी के साथ देखे गए थे।